अक्सर लोग पुलिस थाने में अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं, लेकिन बालोद जिले में एक ऐसा थाना है जहां फरियाद के साथ साथ ज्यादातर लोग मनोरंजन के लिए भी थाना पहुंचते हैं। थाना प्रभारी ने थाने को सजाने में लाखों रुपए खर्च कर दिए। ऐसा क्या खास है इस थाने में, आइए जानते हैं ग्रैंड न्यूज की इस खबर में। ये रंग बिरंगे फूल और पौधे, हरी भरी घास, गार्डन में फव्वारे और साउंड सिस्टम से लैस लॉरी और लॉरी के अंदर डाइनिंग टेबल पर बैठे लोग, ये सब देखकर आपको किसी ढाबे, होटल या किसी के घर जैसा लग रहा होगा। लेकिन यह ढाबा, होटल या किसी का घर नहीं है, बल्कि यह एक पुलिस थाना है। दरअसल बालोद जिले के मंगचुआ थाने में उप निरीक्षक दिलीप नाग 2019 के दिसंबर माह में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ हैं। पहले वह थाना केवल लोगों के फरियाद सुनने का केंद्र हुआ करता था, लेकिन उप निरीक्षक दिलीप नाग के सपनों ने थाना का स्वरूप ही बदल दिया और आज यहां निर्भीक होकर फरियादी और सैर सपाटे व मनोरंजन के लिए लोग आते हैं। पहले शमशान घाट थे ये, और थाना खुलने के बाद ऐसे महसूस होते थे कि यहाँ थाना खुला है या नहीं खुला है ना। अब ऐसा लगता है दिलीप नाग आने के बाद ये थाना नहीं है, एक प्रकार का गार्ड अच्छे लगते हैं कि गार्डन के महसूस करते लोग, और लोगों को आते हैं तो मन ऐसे भलक जाता है कि हम लोग थाना नहीं आए हैं, एक गार्डन घूमने के रूप में आए हैं, है ना। और आभास नहीं करते कि हम थाने में आए, थाना ऐसा लगता है भय, लोगों के भय आ जाता है थाना आने के बाद, तो ऐसा भय महसूस नहीं करते यहाँ आने के बाद, अच्छे लगते हैं। तालाब है और बहुत सारे झाड़, हमारे दिलीप जो नाग जी हैं थाना प्रभारी, उसका कड़ी मेहनत और लगन ऐसा लाया कि लोगों को थाना नहीं है, थाना के बराबर नहीं लगता महसूस, गार्डन घूमने के आया नाम से आए हैं असल। उप निरीक्षक दिलीप नाग का मानना है कि पुलिस थाने और वहां बैठे खाकीधारी को देखकर लोगों में यह भय बना रहता है, लोग अपनी बातों को बेहतर तरीके से पेश नहीं कर पाते। ऐसे में प्राकृतिक वातावरण तैयार कर लोगों को आकर्षित करने और पुलिस के पास बिना डरे अपनी बात रखने के लिए थाना प्रभारी दिलीप ने अपने लगभग लाखों रुपए लगा दिए। थाने में गार्डन है जहां रंग बिरंगे फूल पौधे हैं, तालाब भी है जहां बतख तैरते हैं, तो कोई वहां मछली के कांटे से मछली पकड़ सकता है। यही नहीं बल्कि यहाँ आस्था का केंद्र एक मंदिर भी है जहाँ हर रोज सुबह शाम लोग माथा टेकने पहुँचते हैं। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जो जहाँ रहता है जब उसको साफ सुथरा रखता है तो उस प्रकार का थाना भी हमारा एक घर है, तो मुझे लगे कि थाने को भी सुंदर बनाना चाहिए। और जैसे कि आप देखें ये मंगचुआ थाना जो है वो ट्राइबल इलाके में आता है, तो यहाँ आपको देखेंगे अब जंगल है और पहाड़ नदियाँ हैं, तो मैं चाह रहा था कि थाना भी ऐसा रहे कि जो आम आदमी ग्रामीण आए कोई रिपोर्ट या प्रार्थी आए तो वो यहाँ उसको एक अपनापन महसूस हो, वो झिझके ना यहाँ से कि भाई, और एक उसका अपना घर से वातावरण लगे, इस कारण मेरा ये विचार था, तो मैंने इसको फिर प्रयास किया। इसमें मेरे वरिष्ठ अधिकारियों का, एसपी सर का सहयोग मिला, तो आज जगह पूर्ण हो पाया ये। किस तरह से आप सोचते हैं? थोड़ा कमी तो ये करेगा क्योंकि अब शुरू से मैं इसको देख रहा था तो एक लगाव हो जाता है, तो छोड़ना पड़ेगा, इसका कमी तो लगेगा मुझे, लेकिन एक संतुष्टि रहेगा हमेशा कि कुछ वहाँ मैं करके आया वहाँ पर। तो इतना इस तरह से आपने प्रयास किया? शुरुआत में मुझे इसमें पैसा खर्च करना पड़ा, तो लेकिन जब गांव वालों ने देखा कि ये अपना प्रयास कर रहा है तो उनका भी सहयोग मिला, काफ़ी गांव वालों का सहयोग मिला, सरपंच का सहयोग मिला, तो इस कारण ही बन पाया ये। शुरुआत में तो उप निरीक्षक दिलीप नाग ने थाने का स्वरूप बदलने के लिए खुद पैसे लगाए, लेकिन उसके कार्यों को देख ग्रामीण भी सहयोग करने के लिए आगे आए। आज लोग थाने के अंदर जाकर नहीं बल्कि गार्डन में बनी लॉरी के अंदर डाइनिंग टेबल पर बैठकर प्राकृतिक वातावरण में अपनी फरियाद पुलिस को बताते हैं। उप निरीक्षक दिलीप नाग की कार्यशैली को देख ग्रामीण सराहना कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस अधीक्षक भी उसके इस कार्य को देख उनकी प्रशंसा करने से अपने आप को नहीं रोक पा रहे। मंगचुआ थाना प्रभारी उप निरीक्षक दिलीप नाग हैं, और जब से उनकी पदस्थापना हुई, जब मैं उनसे चर्चा किया था तो उन्होंने जब देखा थाना परिसर को, तो तभी से उनके मन में था कि इसको एक अच्छा रूप देना है और एक गार्डन के रूप में एक डेवलप करना है, तो उस उद्देश्य को लेकर के और एक ऐसे जगह में है मंगचुआ जो कि हमारे अति संवेदनशील थाना में आता है, तो उन्होंने अपनी रुचि लेते हुए जो एरिया जहाँ पे उसको दिखा कि थोड़ा गड्ढा है तो वहाँ से और उन्होंने मिट्टी को निकाल करके एक तालाब का रूप दिया,
उसके बाद थाना के जो मुख्य द्वार है उसके दोनों तरफ उन्होंने अच्छी गार्डनिंग किया, कई तरह के फल, आम, लीची आदि सभी तरह के, मुझे लगता है कि 8-10 तरह के फल के पौधे को लगाए हैं ताकि वो एक अच्छा रूप दिख रहा है। और बाकी एक अच्छी सोच के साथ एक गार्डन बनाया और प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने थाना भवन के ठीक सामने जो है एक मोर्चा वगैरह भी अच्छे से बनाया और थाने के पीछे की तरफ पूरी साफ़ सफाई के साथ उन्होंने पूरे परिसर को क्लियर रखा। एक उनका और अपने बैठने के लिए, स्टाफ के एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी उन्होंने सुधार करते हुए एक गार्डन के रूप में उन्होंने दिया है ताकि वहाँ से स्टाफ लोग उस जगह को एंजॉय कर सके। खेल परिसर भी बनाया ताकि वहाँ पे अपना व्यायाम वगैरह कर सके। तो उन्होंने जो है काफ़ी अच्छा काम किया है और इसमें समय समय पर वरिष्ठ अधिकारियों का भी बहुत सहयोग रहा और पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी। कुछ साल रहकर दिलीप नाग ने थाने का स्वरूप बदल दिया। भले ही कुछ सालों में उसका स्थानांतरण कहीं दूसरे थाने में हो जाए, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी है कि वह बालोद जिले के अंतिम छोर में जंगलों से घिरे गांव और आसपास के लोगों के लिए कुछ अच्छा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।